हेलो, पुलिस स्टेशन। लगता है सर इधर एक मर्डर हो गया है। क्या एड्रेस बताया आप? एक मिनट एक मिनट। बोलिए। आशा कॉलोनी 1 नंबर। ठीक है ठीक है, देखिए आप वहीं रुके, हम आते हैं। चलो लग रहा है। जी सर, मैंने आपको फोन किया था, ये होगा। निर्मल जी सर, लगता है दरवाजा अंदर से बंद है। इसका मतलब ये हुआ कि पीछे से कोयले का रास्ता जरूर होगा। तुम जाओ देखो। निर्मल, ये रूम का खिड़की दरवाजे खोल दो, स्मेल थोड़ी कम हो जाएगी। अर्चना, डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। यस सर। फोटो लो और कमरे की अच्छी तरह से तलाशी लो। समझे सर? मल्होत्रा जी, आप मेरे साथ चलिए। यस सर। देखने में तो साफ साफ मर्डर केस लग रहा है। दीवान साहब की फैमिली के बारे में कुछ बताएंगे? मैं पिछले 8 साल से यहीं रहता हूँ सर, लेकिन दीवान साहब इस कॉलोनी के पुराने मेंबर हैं और सबसे पहला बंगला 1 नंबर उन्होंने ही खरीदा था। और उनके बच्चे कहाँ रहते हैं? एक बेटा सब अमेरिका में है और एक बेटी साथ में रहती थी जो कि एक्सीडेंट हो गया, उस वजह से अंकल और आंटी सदमे में आ गए सर, और मैं हाल ही में उनसे मिल के आया था। 2-3 दिन से मैंने भी उनको मॉर्निंग वॉक करते हुए नहीं देखा, सोचा कि वो अमेरिका चले गए होंगे। जब सुबह कचरा वाले ने बताया कि इस बंगले से दुर्गंध आ रहा है तो मैं आपको फ़ोन किया सर। जीवान साहब से किसी की कोई अनबन? मेरा मतलब किसी से कोई दुश्मनी? अरे नहीं सर, वो बड़े ही सज्जन व्यक्ति थे और वो किसी से भी ऊँची आवाज़ से बात नहीं करते थे सर। ठीक है, आप जा सकते हैं, यानी जब भी आपकी ज़रूरत पड़ी आपको आना होगा। ओके सर। सर, कमरे में टैबलेट है, इसमें से एक टैबलेट खाई हुई है। ये कैसी टैबलेट है? तुम्हें काम करो जी, पुलिस हॉस्पिटल जाओ, वहाँ डॉक्टर चंद्रेश मिलेंगे, उनसे पूछना कि ये किस रोग में काम आता है। जी सर। सर, मैंने डेड बॉडी की फोटोग्राफ्स हर एंगल से ले लिए और हॉल में हमें एक डायरी मिली है। इस डायरी में प्रोविजन स्टोर, दूध वाला, काम वाले भाई, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, ऐसे सभी लोगों के नंबर है और इनफैक्ट बैंक अकाउंट नंबर और लॉकर नंबर भी है। ये डायरी हमारे बहुत काम आएगी। देखो यहाँ CCTV कैमरा लगा हुआ है, सारी फुटेज मांगे। जी सर। कोई चाबी तो नहीं मिली? नहीं सर, हमें कोई चाबी तो नहीं मिली। ठीक है, अभी एक चाबी वाले को बुलाओ, उसे चेक करवाओ अंदर कोई चोरी तो नहीं हुई। हेलो मिस्टर सक्सेना। हेलो 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 मिस्टर सक्सेना। हेलो मिस्टर सक्सेना, आप क्या ऊंचा सुनते हैं? मैं इंस्पेक्टर राठौर सदर थाने से बोल रहा हूँ। आशा कॉलोनी में एक वृद्ध दंपति की हत्या की गई है और छानबीन से मालूम चला है कि उनका जो बैंक अकाउंट है वो आपके बैंक में है। सॉरी इंस्पेक्टर साहब, आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही थी, अगर आप उनका नाम और अकाउंट नंबर बताएंगे तो मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। नाम है कृष्णकांत दीवान, सीनियर सिटीजन थे और उनका बैंक अकाउंट है 3801014x06945। सर, आप उस दीवान साहब की बात तो नहीं कर रहे जिनका बेटा अमेरिका में है और वहाँ से पैसे भी ट्रांसफर आते हैं? जी जी, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, लेकिन 2 दिन पहले उनका मर्डर हो गया है। व्हाट? 2 दिन पहले तो आए थे हमारे ब्रांच में।
और अपने लॉकर से ज्वेलरी भी निकाली और बता रहे थे कि आज की फ्लाइट से अमेरिका जा रहे हैं। सर, क्या आप अंदाजा लगा के हमें बता सकते हैं कि उन ज्वेलरीज की कीमत क्या हो सकती है? सर, 15 से 20 लाख रुपए तक की तो ज्वेलरी थी और उन्होंने अपने अकाउंट से 3 लाख रुपए भी निकाले थे। थैंक यू मिस्टर सक्सेना। थैंक यू। वेलकम सर। निर्मल कहाँ है? सर, की मेकर को लेकर बंगले पे गया है। मैंने उसे समझा दिया, आते हुए बंगले को सील कर देना। सर, अलमारी में कुछ नहीं है, एक छोटी सी भगवान की मूर्ति और कुछ सिक्के पड़े हुए हैं। ये क्या कह रहे हो तुम? मैंने तिजोरी की फोटो ली थी। सर, इसका मतलब तो साफ है कि ये मर्डर ज्वेलरी और पैसों के लिए ही किया गया है, लेकिन कौन कर सकता है ऐसा? अपना कोई खास इन्वॉल्व होता है ऐसे मामलों में। एनीवे, तुम डायरी को ध्यान से देखो और उनमें जो फोन नंबर है उन्हें एक एक करके बुलाओ। और सीसीटीवी फुटेज का क्या हुआ? जी सर, फुटेज आ गया और मैंने चेक भी कर लिया है। साहब, साहब, मैं ये क्या सुन रही हूँ? मेरे बाबूजी और माजी को किसी ने मार डाला? कौन है वो दरिंदा? कौन है वो पापी? आप उसको फांसी पे लटका दीजिए साहब। चुप हो जाइए, एकदम चुप हो जाइए, प्लीज यहाँ बैठ जाइए। और जो भी आपसे सवाल किया जाए उसको सच सच जवाब दीजिए। नमस्कार, क्राइम स्टोरीज के इस एपिसोड में आप सबका। वो बुजुर्ग दंपति जो घर में अकेले रहते हैं अक्सर ऐसी घटनाएं उनके साथ होती रहती हैं। इन घटनाओं के पीछे कई कारण होते हैं, जैसे दंपति का घर में अकेला रहना या घर में काफी संपत्ति का होना। वैसे तो ये साफ था कि ये हत्या का मामला था, शायद पैसों के लिए। अक्सर इन अपराधों में घर के नौकर, दूध वाले और ड्राइवर शामिल होते हैं, लेकिन इस बार लग रहा था कि अपराधी कोई और है। आइए देखते हैं घर की नौकरानी पुलिस की क्या मदद करती है। तुमने मिस्टर दीवान और मिसेस दीवान से आखिरी बार मुलाकात कब की थी? मैं दो दिन पहले ही गई थी। माँ जी ने मुझे और बचपन को बुलाया और हमारी पगार दे दी और बोले कि हम 5-6 महीने के लिए अमेरिका जा रहे हैं। मैं पोछा लगा रही थी, ज़्यादा कुछ नहीं सुना, लेकिन उनको भी यही बोल रहे थे कि वो अमेरिका जा रहे हैं। हमारे रहते हैं साहब कहीं बाहर गए थे। तुम्हारा नाम गणपत चौहान है? जी साहब, मुझे क्यों बुलाया गया है? निर्मल, इसे यहाँ भेजो। अर्चना, इसे सीसीटीवी फुटेज दिखाओ। इधर आओ। ये तो हलकर पीटर है साहब। तुम इसे जानते हो? जी साहब, ये एक नंबर का दारूबाज है, छोकरीबाज भी है साहब, और जो हमारी मोहल्ले की औरतें लोग हैं ना, इससे बहुत नफरत करती है साहब। उस इंसान का नाम तो पुलिस को पता चल चुका था, पीटर। लेकिन पीटर अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर, क्योंकि जब तक पीटर हाथ नहीं आ रहा था तब तक ना तो हत्या का पता चलता और ना ही माल हाथ आता। ऐसे में इंस्पेक्टर ने अंधेरे में तीर चलाया, माधुरी को दोबारा बुलवाया गया। आइए देखते हैं क्या होता है। साहब, मैंने जो भी जानती थी आपको बता दिया। अब मैंने कहा ना, मैं कुछ नहीं जानती। अर्चना, इसे लेके आओ यहाँ पे। तुम्हारी पत्नी बोलती है कि पीटर को नहीं जानती। अरे, इसने जो गुनाह किया है ना, उसे सुनकर तुम्हारे पांव तले जमीन खिसक जाएगी। बोलती है सच क्या है या लूं तुझे 3rd degree पे? बताती हूँ, उस दिन मैं जब काम कर रही थी। अरे, इतना जोर क्यों लगा रही? हल्के हाथ से मालिश कर, दर्द कर रहा है ना? हल्का, हल्के हाथ से। सजता, मैं बैंक जा रहा हूँ, तुम्हारे ज्वेलरी और पैसे लेके आता हूँ। ठीक है।
नहीं आता। ये देखो, इसमें 3 लाख रुपए हैं और ये तुम्हारी ज्वेलरी। इसे आप ही अलमारी में संभाल के रख दीजिए। ठीक, देखो शाम को आहूजा के घर खाने पे जाना है जी। 10 बजे तक हम वापस आ जाएंगे और वोला बुक करके एयरपोर्ट चले जाएंगे। हाँ हाँ, अपनी फ्लाइट तो 5:30 बजे की है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ठीक। नहीं, मैंने कैमरे का स्विच ऑफ कर दिया है। तुम एक काम करो, मेरे साथ चलो। अंदर का शैतान जाग उठा। हरामजादी कुलटा, मैंने तुझे जिंदगी का कौन सा सुख नहीं दिया था? तूने मेरे भगवान जैसे मालिक को भी मार दिया। तू जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकती है, याद रखना। आज का दिन भी याद रखना, मेरे मालिक को तूने मार दिया। तू सही का जिंदगी में खुश नहीं रह सकती है। कहते हैं कभी कभी अंधेरे में चलाया हुआ तीर भी निशाने पर लग जाता, और इस बार भी ऐसा ही। माधुरी ने सब कुछ सच सच बता दिया। पीटर को हिरासत में ले लिया गया। अब ये मामला अदालत में, उन्हें सजा तो होगी ही, लेकिन इस तरह की घटनाएं समाज में अक्सर होती रहती। बुजुर्गों को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो कभी भी अपनी धन दौलत का दिखावा नौकरों के सामने ना करें, और एक अच्छा नागरिक होने के नाते हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम अपने आस पास रहने वाले बुजुर्गों का ध्यान रखें, उनसे मिलते जुलते रहें और उनके नौकरों पर भी नजर रखें। इसलिए सचेत रहें, सतर्क रहें और सावधान रहें। नमस्कार।